मैं कुछ दिन पहले प्रीत विहार के एक पार्क में बेंच पर बैठकर एक पेड़ पर ध्यान लगा रहा था। दो आंटियां साथ आकर बैठ गई और बात करने लगी, क्या करते हो बेटा? मैंने सोचा कि क्या बोलूं मैं इनको अब, तो मैंने कहा मैं राइटर हूं। वो बोली, क्या लिखते हो? मैंने कहा मानव मस्तिष्क, कुंडली शक्ति, चक्र और आध्यात्म के बारे में। शी वॉज लाइक, ओ इतनी कम उम्र में, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मुझे तो लगता है कि आध्यात्म असल में जवानों के ही काम की चीज है। बूढ़े ने तो अरबों रुपए का जीवन नौकरी और घर की गुलामी में सुहा कर दिया, अब उसके ये सब क्या काम का? ये तो जवान को जरूरत है कि मनी, सेक्स, ट्रैवल, ह्यूमन क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप, सॉलिट्यूड और अभिव्यक्ति की आध्यात्मिकता को जाने, और साथ ही स्कूल, ऑफिस, फैमिली के स्पिरिचुअल डिसएडवांटेजेस के बारे में भी। सक्सेस शब्द का प्रयोग तो मैंने कभी किया नहीं और ना ही मुझे सफलता में कोई रुचि है। फिर भी अगर कोई मुझे डिफाइन करने के लिए कहे तो आई वुड से दैट लिविंग विद फुल सेल्फ एक्सप्रेशन इज सक्सेस। मैं ब्रह्मांड का एक सेल्फ अवेयर, सेल्फ एक्सप्रेसिंग, सेल्फ एक्सपीरियंसिंग नोड हूं। मैं अपनी वास्तविकता को जान लिया और उसे जी लिया तो मैं सफल हुआ। जब मैं स्ट्रेंजर्स से बात करने की कला पर काम कर रहा था तो मैं सिर्फ कला में कमजोर था, लेकिन अंदर से मैं लॉजिकली कॉन्फिडेंट था। मैं जानता था कि अगर मैं किसी से मित्रता करूं तो ये उसी के फायदे की बात है। वो चाहे गरीब का बच्चा हो, आकर्षक स्त्री हो, मर्सिडीज से निकला कोई अमीर हो, या तैयार होकर ऑफिस जाता हुआ गुलाम, क्योंकि मैं सुपीरियरिटी के रास्ते पर चल रहा था और इस बात की संभावना अत्यंत कम है कि वो लोग अक्सर किसी सुपीरियर मैन के संपर्क में आते होंगे। गरीब और अमीर का तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन स्त्री और ऑफिस जाने वाले गुलामों की जिंदगी में मीडियोकर बंदों की भरमार होती है। एंड दैट्स व्हाई, इंस्टेड ऑफ कीपिंग अ सेल्समैन पोस्चर, आई ऑलवेज केप्ट एन एटीट्यूड ऑफ मसाया, जैसे कि उनसे बात शुरू करके मैं उन पर कोई फ्री फेवर कर रहा हूं। मुझे लगता था वो मेरा धर्म है। आई एम चोजन टू डू दैट। ADHD का टाइटल मुझे तब दिया गया जब मैंने 2014 में फिटजी पंजाबी बाग ज्वाइन किया। वहां करीब 150 गुलाम काम करते थे, को फैकल्टीज, ऑफिस बॉयज, HODs, अकाउंटेंट्स, गार्ड्स, मैरिड फीमेल कोवर्कर्स। मैं सबसे जाकर इंटरेक्ट करता था, ऑफिस में अल्फा की तरह चलता था जैसे मैं ही मालिक हूँ। स्टूडेंट्स के साथ कंधे पर हाथ डालकर मैथ डिस्कस करता था। बॉस के सामने से गुजरने पर बाकी गुलामों की तरह सिर झुकाकर सलाम करने की बजाय नजरें मिलाकर नॉन सबमिसिवली बट रेस्पेक्टफुली ग्रीट करता था। लूज टॉक, बैक बिचिंग कभी नहीं करता था। जो सत्य है वो सबके सामने खुली आवाज में बोल देता था। जहां गुलामी ही सामान्य बिहेवियर माना जाता था, वहां मेरा बिहेवियर अनप्रोफेशनल, काउंटर ग्रोथ और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी कि ADHD की कैटेगरी में था। 21 मार्च 2019 होली का दिन मेरे लिए यादगार रहेगा, क्योंकि 2018 की होली के दिन मैं आखिरी बार अपने सबसे ऊंचे सुर में भड़का था। कारण था कि मौसी के लड़के रंग लगाने पहुंच गए थे और उसके पहले इतने ऊंचे सुर में भड़कना मेरे लिए आम था, क्योंकि अक्टूबर 2016 के बाद 2 वर्षों तक शक्ति काफी चढ़ी हुई थी। इसलिए मैंने खुद को हमेशा अवेकेंड क्लेम किया था, एनलाइटेंड नहीं। भड़कने का तो एक अलग ही नशा है, लेकिन बात बात पर क्रांतिकारी बनना और अपने केंद्र से विचलित हो जाना 6 से 7 चक्र की यात्रा में बाधक है। अभी भी मैं खुद को बुद्ध पुरुष यानी कि एनलाइटेंड नहीं कहूंगा, लेकिन उसका फ्लेवर जरूर आने लगा है। होली खेलने का शौक तो मुझे अभी भी नहीं, लेकिन इस बार मैं गलियों में खड़ा होकर गुब्बारे फेंकने वाले बच्चों को ललकारने लगा कि उखाड़ लो जो उखाड़ना है, टंकियां खाली कर दो, निकाल लो अपना फ्रस्ट्रेशन जो तुम्हें माता पिता शिक्षक और सिस्टम ने दिया है। क्रिएटिविटी इज लाइक प्रेगनेंसी, ऐसा ओशो ने कहा था, मैंने नहीं। मैं तो दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि संगीत, चित्रकारी और लेखन तो बड़े ही छोटे उदाहरण है क्रिएटिविटी शब्द को समझने के लिए। और जब मैंने कहा कि स्कूल डिस्ट्रॉयज क्रिएटिविटी, तो मतलब ये नहीं कि स्कूल ने बच्चे की पेंटिंग की कला दबा दी। क्रिएटिविटी मतलब आपने अपने जीवन में कितने आयामों को उभारा है। एंड्रॉइड एक क्रिएटिविटी है, वैसे ही आम आदमी पार्टी BJP, वैसे ही सुपीरियर सोसाइटी, वैसे ही ओयो रूम्स, पेटीएम, इजराइल, ईशा फाउंडेशन, बुलेट ट्रेन, शेयर मार्केट और प्रेगनेंसी यूं है कि एक आइडिया जन्म लेता है एक फियरलेस माइंड, इट देन ग्रोस एंड गेट्स डिलीवर्ड इन द मैट्रिक्स एज अ मैनिफेस्टेशन। ये माया के साथ विष्णु का कॉस्मिक सेक्स है। ये क्रिएट करने वाले सब लोग विष्णु थे, हम सब विष्णु हैं। किसी ने मुझसे कहा, फलों से लदे पेड़ झुके होते हैं, तू तो बड़ा अहंकारी है। मैंने कहा, भाई साहब मैं तो पूरा झुका हुआ हूँ। मेरा गणित, इलेक्ट्रॉनिक, संगीत, अंग्रेजी, आध्यात्म, सेक्सुअल सिलेक्शन, न्यूरोप्लास्टिसिटी, क्वांटम, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, डेटिंग, पेरेंटिंग, सेल्फ हेल्प एटसेट्रा, सबका ज्ञान मुफ्त है। अक्टूबर 2016 से मेरी किताबें जितनी बिकी हैं उससे ज्यादा मुफ्त में मैंने दे दी हैं। सुपीरियर सोसाइटी की सभी मीटिंग्स मुफ्त हैं। सारे फल जमीन तक लटके हुए हैं। और अहंकार जैसे कॉम्प्लेक्स एंड स्पिरिचुअल शब्द का प्रयोग तो तुम ना ही करो, मैं पूरा लेक्चर दे दूंगा। हाँ, मेरे कॉन्फिडेंस से तुम्हारी जलती जरूर होगी, उसके लिए मैं कहूंगा कि सुपीरियर बनो। तुम भी अपने अंदर के परमात्मा के प्रकाश को पहचानो। तुम भी जानो कि तुम भी मेरे जैसे अद्वितीय हो, अनंत हो, अजीत हो, अतुल्य हो, अजय हो। खुद को जानो और जो जाना है उसे खूब पेल के अकड़ से हाको, फिर जिसकी जले उसकी और जलाओ, जलजला ला दो। हॉस्टल के मेस में खाने की टेबल पर होने वाली गप्पेबाजी में IIT की लड़कियां ही सबसे प्रमुख मुद्दा होती थी। IIT में कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिसके बारे में चर्चा लड़कों के हॉस्टल में अक्सर ना होती हो। IITians को अक्सर मैंने कभी किसी लड़की को पटाने की मेहनत करते हुए नहीं देखा, और ना ही IITians को मैंने वैश्यावृत्ति की तरफ जाते हुए देखा। IITians सिर्फ लड़कियों और सेक्स के बारे में बातें किया करते थे और नियमित रूप से हिलाकर अपनी इच्छाओं को शांत करते थे। अगर मैं इसे IITians की मीडियोक्रिटी भी कहूं तो भी उनमें से कुछ ऐसे जरूर होंगे जो वास्तव में इस प्रकार से संतुष्ट हो जाते होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि मैं जितना सेक्स का प्यासा रहा हूँ उतना ही प्यार का, तो मतलब मैं जितना पॉर्न ड्रिवन रहा हूँ उतना ही प्रभावित मैं हिंदी फिल्मों से भी हूँ। इसीलिए हमेशा मुझे ऐसी एक लड़की चाहिए थी जो मेरे साथ ना सिर्फ अच्छा सेक्स करे बल्कि मुझे प्यार भी करे, और जो मुझसे आकर्षित होकर मेरे पास आई हो, जिसे मैं रोमांटिकली सेक्सुअली एंड इंटेलेक्चुअली इन्फ्लुएंस करूं। और अब आफ्टर 2016 इसके अंदर बहुत सारी चीजें और जुड़ गई हैं, जैसे क्रिएटिवली, सोशली, स्पिरिचुअली, म्यूजिकली एंड थ्रू सोशल मीडिया। एक मीडियोकर स्त्री अपना विशुद्ध चक्र अक्सर बकचोदी में नष्ट कर देती है और दूसरा चक्र स्पाइसी चीजी फास्ट फूड में। मुझे हमेशा ऐसी लड़कियों से प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन रहा है जो फूडी होती हैं। वो तो अब आफ्टर 2016 मुझे समझ में आया कि वो एक प्रिमेटिव बिहेवियर है जो स्त्री को इवोल्व होने से रोकता है और उसे मीडियोकर बनाता है। आइडियली उसे दूसरा चक्र यानी कि सैक्रल चक्र सुपीरियर मैन के साथ सेक्सुअली कनेक्ट करना चाहिए। सुपीरियर मैन इन जनरल उसके सभी चक्र तो खोलेगा ही, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में वो स्त्री के अंदर की सुंदरता यानी कि क्रिएटिविटी को इवोक करके विशुद्ध और सैक्रल को एडिशनल स्पीड देगा। आदर्श रूप से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होती, हर बच्चा 5 साल की उम्र से पैसे कमाना शुरू कर सकता है। सी सुपीरियर सोसाइटी रिवोल्यूशनरी एजुकेशन मॉडल ऑन यूट्यूब। हर औरत रसोई और घर की गुलामी के बाद भी क्रिएटिवली पैसा कमा सकती है। सी नारी मस्तिष्क की अद्भुत शक्तियां बाय हितेश शाक्य। और बूढ़ा होने तक तो आदमी को मोदी, रमन महर्षि, ट्रंप, प्यारे लाल, दाऊद, सदगुरु, बाला साहेब, अन्ना हजारे, अमिताभ की तरह अपना क्षेत्र पकड़ के इतना सेलिब्रिटी तो बन ही जाना चाहिए कि अंतिम संस्कार के लिए भी बोली लगे। सर्च जैन मुनि फ्यूनरल 11 करोड़ बेड। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर स्पिरिचुअलिटी के फंडामेंटल समझ लिए जाएं तो ये सारा काम सहज है, इसमें कोई मेहनत नहीं। पैसों की गुलामी के धागों से बंधे हुए रिश्तों पर तो लानत है, असली रिश्ता तो तब है जब सारे बंधन खोल दिए जाएं और फिर भी परिंदे अपनी उड़ान पूरी करके घर लौट आए। मैं ही विष्णु हूं, मैं ही हूं शिवा, किसी ने बिना सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है अ न्यूरोसाइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल अप्रोच टू इन्फिनिट ह्यूमन पोटेंशियल पढ़े कहा इस बकवास फिलॉसफी का फायदा क्या है? मैंने कहा फायदा ही फायदा है, जब तू ही शिवा है तो तोड़ दे सारे बंधन, सारे रिश्ते जो तुझे उड़ने से रोके, आग लगा उस डिग्री में, नौकरी में, दोस्ती में, इज्जत में, रिवाजों में, और सबसे पहले उन तमाम बिलीव्स में जो ला दे गए तुझ पर बिना तेरी इजाजत के। अब तू ही क्रिएटर है। मैंने बीते 14 वर्षों में सुपीरियरिटी के रास्ते पर चलकर एक एक ईंट चुनकर खुद को बनाया, तू भी बना, आज से शुरू कर, अभी से, जिंदगी तेरी, रंग तेरे, ढंग तेरा, गीत तेरे, संगीत भी तेरा, सारा मंच तेरा। अब ये ना कहना कि ये एनआरकी है, असल में लोवेस्ट एंट्रोपी का ग्रेटेस्ट कॉस्मिक ऑर्डर यही है। पैसा कमाना कोई सिखा नहीं सकता, वो तुम्हारे दिल से निकलेगा और वही तुम्हारे लिए आसान, बेस्ट और एथिकल होगा। तुम्हें बस पैसे को लेकर अपना माइंडसेट ठीक करना है और तरीके ट्राई करने हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं म्यूजिशियन बन जाऊंगा और एकेडमी खोलूंगा, ना सोचा था कि मैं एक रेवोल्यूशन चलाऊंगा और लोग मुझे पेटीएम से डोनेशन देंगे, ना सोचा था कि मैं अपनी डेटिंग जर्नी पर किताब लिखूंगा और 15 दिन में 43 लोग खरीद लेंगे, ना सोचा था कि न्यूरोप्लास्टिसिटी पर किताब लिखूंगा और लोग एडवांस बुकिंग कराने लगेंगे। 8 सालों यानी कि 2008 से 2016 में मैंने जब 12 नौकरियां बदली तो हर बार नई नौकरी देने वाला मेरी लॉयल्टी पर सवाल उठाता। मैं कहता कि लॉयल्टी गई माँ चुदाने, मैं अपने काम में अल्फा हूँ, रखने का है तो रख, नहीं तो तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। फिर जब भी सैलरी रेस का टाइम आता तो मैं कहता कि गिरा दे, उसके बदले मुझे मेरा वक्त लौटा दे। लास्ट सैलरी 1,70,000 पर मंथ थी, लेकिन मैं रोज का सिर्फ 4 घंटा काम करता था और बदले में 85,000 पर मंथ लेता था। बाकी वक्त में म्यूजिक प्रैक्टिस, सेल्फ हेल्प बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज, मीटिंग न्यू गर्ल्स, मीटिंग लाइक माइंडेड पीपल, जर्नलिंग, स्ट्रीट मैजिक, मेडिटेशन, मार्शल आर्ट, सेल्फ इंक्वायरी एटसेट्रा। बेसिकली तब मैं पार्ट टाइम सुपीरियरिटी के रास्ते पर चलता था, अब फुल टाइम। मुझे फक्र है कि मैंने जिंदगी को जीने के लिए चुना।